दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हिंदी यूट्यूब चैनल कोटा पेंटाकेयर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एप्सन L360 या एप्सन L210 एल सीरीज प्रिंटर के बारे में। दोस्तों, ये प्रिंटर मेरे पास डेड कंडीशन में आया था। जब मैंने इसको खोल के चेक किया दोस्तों, तो इसकी पावर सप्लाई ओके थी और लॉजिक कार्ड डेड था। ये लॉजिक कार्ड में शॉर्टिंग थी दोस्तों। तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसका लॉजिक कार्ड है L360 का। जब मैंने इसको चेक किया दोस्तों, तो इसके दोनों ट्रांजिस्टर शॉर्ट थे। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, ये दोनों ट्रांजिस्टर का नंबर है A2222 और C6144। ये दोनों ट्रांजिस्टर दोस्तों शॉर्ट थे। मैंने इसको निकाल के चेक किया और दोनों में शॉर्टिंग थी, ख़राब थे। मैंने नए ट्रांजिस्टर लगाए और मीटर से चेक किया दोस्तों। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार चेक करके दोस्तों, कि जब मैंने मीटर से चेक किया दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही बता रहे थे दोस्तों। देख लीजिए आप मीटर में, ये देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों, ये भी देख लीजिए। दोनों ट्रांजिस्टर ओके थे। मैंने और भी कंपोनेंट्स चेक किए इसके आसपास के, ये डायोड्स वगैरह कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। ये डायोड भी चेक किए और कार्ड बिल्कुल ओके लग रहा था, कहीं शॉर्टिंग नहीं थी दोस्तों। मैंने इसको वापस से प्रिंटर में फिट किया है इसको दोस्तों, और प्रिंटर फिट करने के बाद पावर ऑन करी इसकी दोस्तों। तो मैं क्या देखता हूँ दोस्तों कि एक बार इसकी पावर ऑन होती है और वापस से ऑफ हो जाती है। वापस से खोल के देखो, जब मैं कार्ड को चेक करता हूँ दोस्तों, तो मैं क्या देखता हूँ दोस्तों कि फिर से ट्रांजिस्टर, ये दोनों ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुके थे। निकाल के चेक किया दोस्तों, तो वापस से दोनों ट्रांजिस्टर फॉल्टी थे। दोबारा से लगाया दोस्तों, मीटर से चेक किया, ओके बता रहे थे। फिर से मैंने प्रिंटर में फिट किया दोस्तों, तो वापस से ही शॉर्ट हो चुके थे दोस्तों। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको दोस्तों, अपना एक्सपीरियंस आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, कि ये ट्रांजिस्टर बहुत कॉस्टली है और इंडिया में बहुत कम लोगों के पास ये अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होते हैं ट्रांजिस्टर, तो आप गौर से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक आईसी लग रही है 24 पिन, इस पे एप्सन लिखा हुआ है। मैं इसका आपको नंबर बता देता हूं, एप्सन E09A92GA24 पिन IC। दोस्तों, अगर ये आईसी शॉर्ट होगी, फॉल्टी होगी, फिजिकली डैमेज होगी या बर्निंग होगी दोस्तों, तो ये आईसी दोनों ट्रांजिस्टर को उड़ा देगी। जब भी आप लगाएंगे और पावर प्रिंटर की पावर ऑन करेंगे, तो ये ट्रांजिस्टर को उड़ा देगी दोस्तों। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास ये आईसी अवेलेबल हो, तो इसको जरूर चेंज कर लें। ट्रांजिस्टर चेंज करने से पहले इसको जरूर चेंज कर लें, उसके बाद ट्रांजिस्टर लगाएं दोस्तों। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, एक 8 ओम की रेजिस्टेंस भी लगी हुई है रेयर केस में, हमेशा नहीं, रेयर केस में ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो जाती है, इसको भी आप चेंज कर लें। पास में देख लें, एक फ्यूज भी है दोस्तों, इसको भी चेक कर लें एक बार, ये ओपन तो नहीं है। ये मैं बताना चाहूंगा आपको, कार्ड में अगर आपको देखना है, तो ये आपको ये इस जगह पे लगा हुआ है F1, इसको भी चेक कर लें एक बार। साथ ही आपके जितने भी डायोड वगैरह इसमें लगे हुए हैं, एक बार उन पर शॉर्टिंग चेक कर लीजिए और आईसी चेंज कर लीजिए दोस्तों, तो आपका कार्ड ओके हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि हमेशा आईसी करने चेंज करने से आपका कार्ड ओके हो सकता है। एक बार आप हेड को भी चेक कर लीजिए, कई बार हेड के रीजन से भी ये दोनों ट्रांजिस्टर उड़ते हैं दोस्तों। एक रीज़न ये भी है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों किस तरह से चेक करना है आपको।
देख सकते हैं दोस्तों, मैंने हेड केबल कनेक्ट कर दिए दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये टाइम से बिल्कुल सही बता रहा है। यहां आप देखेंगे दोस्तों, तो इन दो पिनों पे हेड की विशेष शॉर्टिंग दिखा रही है दोस्तों। ये आप जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपका हेड शॉर्ट हुआ तो भी ये ट्रांजिस्टर को बार बार आएगा। अब मैं आपको एक बार निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों। ये मैंने हेड केबल बाहर निकाल दी, अब मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ दोस्तों इन दोनों पिनों पे। ये देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही बता रहा है, हेड की वजह से ही इस पर शॉर्टिंग थी दोस्तों। कार्ड ओके है दोस्तों, इसका जो है ये हेड, ये फॉल्टी है दोस्तों।